नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर मेड्यूसा और मोलॉजिक्स इंडिया के साथ आज आप हैं डॉक्टर मेड्यूसा की मर्जी के मुताबिक डॉक्टर मेड्यूसा के किचन में। और किचन में है तो जाहिर है कुछ बनाना ही सीख रहे होंगे। घबराइए मत, लवणेन भुज्यम बनाना नहीं सीखा, वैसे भी उसके इंग्रीडियंट्स मेरे पास है। हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसी चीज जो और कोई नहीं, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री बेचा करते थे। नहीं नहीं, रेल नहीं, सेल भी नहीं, अरे खेल भी नहीं, अरे LIC भी नहीं, अरे जमीन शर्म लिहाज कुछ नहीं, ये सब हम बनाना सीख रहे हैं चाय। अब हमारे देश में जितने लोग उतने चाय पीने के तरीके, किसी को चाय में दूध ज्यादा पसंद है, किसी को चाय में पानी ज्यादा पसंद है, और कोई तो मेरे पापा जैसे भी होते हैं जो पूरी डायबिटीज होने के बावजूद पूरी की पूरी 100% दूध की चाय पीते हैं। अब बात यह है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन चल जाएगा, वन नेशन वन रिलीजन चल जाएगा, वन नेशन वन लीडर तो हम लोग चला ही रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन चाय नहीं चल पाएगी। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा चाय बनाने के तरीके। फिलहाल हम मेरे चाय बनाने का तरीका सीख लेते हैं। हाँ, तो जैसा मैं कह रही थी, जितने चाय वाले उतनी चाय, एक सेकेंड, चाय वाला तो देश में एक ही होना चाहिए। जोर से बोलो, वाह मोदी जी वाह। जितने चाय पीने वाले हैं उतनी डिफरेंट तरीके की चाय, लेकिन मैं दूध वाली चाय प्रेफर करती हूँ और हम दूध वाली चाय बनाएंगे। अफोर्ड तो कर ही लेते होंगे ना दूध, वैसे महंगाई इतनी ज्यादा है कुछ पता तो होता नहीं। वैसे हाँ, ये बात भी सही है कि कौन सा गंगा जल है जिसपे कल से 18% GST लगा हुआ है। दूध में तो GST फिलहाल तक नहीं है, तो अफोर्ड कर ही लेते होंगे, है ना। चलिए दूध की चाय बनाते हैं। वैसे मुझे मेरी चाय में 50-50 का रेशियो पसंद है, 50% दूध और 50% पानी। जैसे आजकल के सत्ताधारियों में होता है 50% झूठ और 50% फरेब, या फिर धार्मिक कट्टरपंथियों में होता है 50% सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और 50% नफरत। या गोदी मीडिया के एग्जांपल से समझ लीजिए, 50% गोदी मीडिया ना होने का डिनायल और 50% चरण चुंबन की असीम परिकल्पना, असीम इच्छा कि बस पिताजी हमें देख ले किसी तरह से। समझ गए ना, 50-50। तो चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए साफ पैन। अगर साफ ना है तो BJP ज्वाइन करवा दीजिएगा, साफ हो जाएगा। एक सेकेंड, वैसे भी अगर BJP ज्वाइन करवा देते हैं तो ऊपर ऊपर से ही साफ होगा, जो अंदर का अंतरात्मा का मैल है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो तो जाएगा नहीं, खुद ही साफ कर लीजिएगा। मेरी मम्मी कहती है राख से सबसे बढ़िया साफ होता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि राख मणिपुर से कहीं ना आई हो, काली होगी जो मिला होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले साफ पैन में डालेंगे पानी। अब पैलेस्टाइन तो है नहीं कि 15 दिन में एक बार पानी आता हो, या इजराइल की सरकार ने इंक्लूडिंग सेटलर्स पैलेस्टाइन के पानी के सोर्सेज में सीमेंट मिला दिया हो और आपको पानी मिलता ना हो, है ना। बिंदास डालिए लेकिन 50% के हिसाब से, ठीक। अब इसी में 50% के हिसाब से हम डालेंगे दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले पानी क्यों, पहले दूध क्यों नहीं। अब जैसा कि शो का नाम है मेड्यूसा की चाय, तो मेड्यूसा की मर्जी। अब पानी और दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम डालेंगे चीनी। वैसे मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, बट वैसे लिवर डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सर ये सब दिल बहलाने के लिए ख्याल होते हैं। लेकिन दिल बहलाने के लिए तो हम ये भी सोच लेते हैं कि देश में पत्रकारिता आजाद है, या फिर हम लोकतंत्र में जीते हैं, या नव भाई को मणिपुर की खबर है, वगैरह वगैरह। तो दिल बहलाने के लिए ये क्यों नहीं कि गुड़ चीनी से अच्छी होती है, है ना? छोटा सा झूठ हम भी अपने आप से कह लेते हैं। ये डाल दिया हमने गुड़। चीनी या गुड़ के बाद हम डालेंगे अदरक। वैसे देखा जाए तो चाय एक बहुत इंक्लूसिव ड्रिंक है, जैसा एक समय में हमारा देश हुआ करता था। कोई भी कहीं से भी आ जाओ, बस जाओ, यहाँ के लोगों को, यहाँ के रीति रिवाज को अपना बना लो, हम तुम्हें अपना बना लेंगे। आपको जो भी पसंद है आप डाल दीजिए। आपको अदरक पसंद है, अदरक डाल दीजिए। दालचीनी पसंद है, दालचीनी डाल दीजिए। पेपर पसंद है, काली मिर्च, वो भी डाल दीजिए। तुलसी पसंद है, वो भी चल जाएगी। इनफैक्ट एक जोक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अदरक दालचीनी इलायची वगैरह डाल ही रहे हो, थोड़ा सा चिकन भी डाल दो, चिकन ही बन जाएगा। हो सकता है कि चाय वाला चिकन भी अच्छा ही लगे, क्या पता, हमने बना के तो देखी नहीं। लेकिन फिर भी जो मैं कह रही थी कि चाय एक बहुत इंक्लूसिव ड्रिंक है, आप खुद ही देख, चाय को ही देख लीजिए, चीन से आई, चीन का कल्चर था, अंग्रेज लेके आए और हम आज आ जाओ अदरक और दूध डाल के पी रहे हैं।
वैसे चीन की चाय के नाम पर आप ज्यादा इंक्लूसिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि टिकटॉक, वीवो, शाओमी वगैरह वगैरह सोर्सेस से पीएम केयर्स में करोड़ों करोड़ों का सामान सिर्फ एक ही चाय वाला ले सकता है, वो चाय वाला जिसकी टपरी संसद में लगती हो, आप नहीं। तो आप जरा शांत हो जाइए और अदरक कूटिए। अब हम डाल रहे हैं अदरक। आपने देखा कि मैंने अदरक चीनी के बाद डाली, यानी गुड़ के बाद डाली। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने सुबह सुबह चाय बना रही थी मैं, और मैंने सबसे पहले चीनी मिली के पहले भी अदरक डाल दिया था, मतलब पानी, दूध और उसके बाद अदरक। और हुआ ये कि थोड़ी देर बाद चाय का दूध फट गया। उस बात से मुझे ऐसा ट्रॉमा हुआ कि आज तक, ये कम से कम नहीं तो 5-6 साल पुरानी बात, कि आज तक मैं बिना चीनी डाले या बिना गुड़ डाले अदरक नहीं डालती। मैं देश की 37.36 जनता जैसी नहीं हूँ जिसने एक बार गलती करने के बावजूद दोबारा से डीमोनेटाइजेशन, कोविड मिसमैनेजमेंट और सारे करप्शन के बावजूद अपना लेसन नहीं सीखा, अपनी सीख नहीं पाई और दे आए वापस उन्हीं को वोट। ना, मैं ऐसा नहीं करती, मेरे लिए एक बार गलती ही काफी होती है। चाय हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट बचा हुआ है अभी तक, चाय पत्ती। मेरी चाय पत्ती असम से आती है, वही असम जो मणिपुर के बगल में है, वही असम जहां के बादशाह सलामत को मियां वोट की जरूरत नहीं है, वही असम जहां अदानी के एयरपोर्ट बनाने के लिए चाय बगान की कम्युनिटी को ही डिस्प्लेस कर दिया गया है। जी हाँ, वही असम। एक और चीज, चाय पत्ती अपने हिसाब से जरूर डालिए, ज्यादा हो गई तो कड़वी हो जाती है चाय, मन भी वैसे ही कड़वा हो जाता है जैसे हिटलर की डीपी के साथ आई स्टैंड विद इजराइल का पोस्ट देख के आपका मन कड़वा होता होगा ना, वैसे। वैसे मेरे घर में चाय पत्ती को ज्यादा उबालने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी मम्मी कहती है कि इससे गैस ज्यादा होती है। इनफैक्ट वो तो ये कहती है कि ज्यादा चाय पत्ती उबालने से इतनी ज्यादा गैस होती है कि नाली के गैस की जरूरत नहीं पड़ती है चाय बनाने के लिए, खुद ही बनाओ, खुद ही पियो और खुद ही गैस का उत्पादन करके वापस चाय बनाओ। वैसे जोक सपाट, चाय पत्ती डालकर हम पत्ती के रंग के निखरने का वेट करते हैं, संग ही तो है नहीं कि तुरंत रंग दिखा देगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक टाइम लगता है, जब तक रंग निखरता है तब तक वेट कीजिए और उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए। मेरे रंग निखरने में अभी टाइम है। चाय का कलर आ चुका है और अब हम इसे छानेंगे। छान के समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी छन्नी साफ हो, गोदी मीडिया की तरह नहीं कि खबर छनते छनते सिर्फ आप तक झूठ पहुंचे और सच छन जाए, ठीक। चलिए, मेरी चाय तो बन गई, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि चाय का टेस्ट कंपनी के साथ ज्यादा अच्छा होता है, आप खुद सोच लीजिए, एक कंपनी के चक्कर में हमारे नमो भाई पूरा का पूरा देश बेच दे रहे हैं, तो सोचिए कंपनी कितनी जरूरी होती होगी। फिलहाल मैं चलती हूं अपनी चोजन कंपनी के साथ चाय पीने, आप देखते रहिए मेरे सकी मर्जी। मिलते हैं अगले हफ्ते।